अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं महरीन अमीन। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन हुकूमत ने गाड़ियों की चोरी से मुतालिक कौमी एक्शन प्लान पेश कर दिया। वफाकी वज़रा का कहना है कि बजट कानून साजी में नए इकदामात पर गौर किया जा रहा है। गाड़ियों की चोरी में इजाफा नाकाबिले कबूल है। कंजर्वेटिव NDP को EV डील्स का जश्न मनाना चाहिए। कैनेडियन वजीर सनत का कहना है कि मजमूई तौर पर हज़ारों मुलाजमतें पैदा होंगी, हम सबको कैनेडियन के तौर पर जश्न मनाना चाहिए। टोरंटो के लिए शदीद तूफान की वार्निंग मनसूख कर दी गई। शहर में शदीद बारिश के साथ तूफान का खतरा बरकरार। शहरियों का घर से बाहर निकलते वक्त मोहतात रहने का मशवरा। ईरानी सुप्रीम लीडर का 5 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। बुध के रोज़ इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा के सिलसिले में मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को कराने का ऐलान। आलमी अदालत से इसराइली वजीर आजम के मुमकिन वारंट गिरफ्तारी पर अमरीका बिलबिला उठा। अमरीकी सदर जो बाइडन फौजदारी अदालत पर बरस पड़े। नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी पर फ्रांस ने आलमी अदालत की हिमायत कर दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canadian वज़रा ने गाड़ियों की चोरी से निपटने के लिए इकदामात की एक सीरीज पर रोशनी डाली है, जिसे कौमी एक्शन प्लान के तौर पर पेश कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़रा ने गाड़ियों की चोरी से निमटने के लिए इकदामात की एक सीरीज़ पर रोशनी डाली है, जिसे वो कौमी एक्शन प्लान के तौर पर पेश कर रहे हैं। ब्रैम्पटन ऑन्टेरियो में एक तकरीब में ऐलान करदा इकदामात में हुकूमत की जानिब से पहले ऐलान करदा मुतादिद दफ़ात शामिल हैं और कुछ जो पहले ही पार्लियामेंट के जरिए काम करने वाली बजट कानून साजी में शामिल की गई हैं। हालिया सालों में हमने पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर यहाँ ऑन्टेरियो में GTA में ऑटो चोरी में ज़बरदस्त और वाज़े तौर पर नाकाबिले कबूल इजाफा देखा है, नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने तकरीब के दौरान कहा। वफाकी हुकूमत ने फरवरी में ऑटोमा में गाड़ियों की चोरी पर एक कौमी सरबराही इजलास मुनक़िद किया। मुल्क में ऑटो चोरी एक बढ़ता हुआ मसला रहा है। चोरी की वजह से इंश्योरेंस की लागत 2022 में बढ़कर $1 बिलियन से ज़ायद हो गई है। वफाकी वज़रा ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए इजाफी फंडिंग के साथ साथ कानून साजी की तब्दीलियों पर रोशनी डाली, जो कि मुनज़्ज़म जराइम से मुंसलिक ऑटो चोरी में नौजवान को मुलविस करने और चोरी को आसान बनाने वाले आलात रखने के लिए नई सजाएं बनाएगी। वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा, यह उन लोगों से आलात को छीनने के बारे में है जो ये जराइम कर रहे हैं, जो हमें गैर महफूज बना रहे हैं। पब्लिक सेफ्टी के वजीर डोमैन क्लीवलैंड ने बैनुल अक्वामी कानून नाफिज करने वाले इदारों बशमूल इंटरपोल के साथ तावुन बढ़ाने की कोशिशों को नोट किया। उन्होंने कहा, RCMP और इंटरपोल के दरमियान मुश्तरका डेटा तावुन के 6 हफ्तों में 1000 सवालात कनाडा से चोरी शुदा कारों से मुमासिल थे। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस इस साल पहले ही तकरीबन 1200 चोरी शुदा गाड़ियाँ जब्त कर चुकी है। कनाडा के सनत के वजीर का कहना है कि वफाकी अपोजिशन जमातों को हाल ही में ऐलान करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डील्स का जश्न मनाना चाहिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा के सनत के वजीर फ्रांसवा फ्लिप शैम्पियन का कहना है कि वफाकी अपोजिशन जमातों को हाल ही में ऐलान करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सौदों का जश्न मनाना चाहिए। उनकी तनकीदों के बावजूद लिबरल्स मुहैदों में बयान करदा शराइत व ज़वाबित को आम करने से इनकार करते हैं। एक इंटरव्यू में शैम्पियन ने इसरार किया कि दुनिया का हर मुल्क इन मुहैदों पर खुश होगा और इन्हें नस्लों तक मुंतकिल होने वाली डील्स के तौर पर तैयार किया जाएगा, जिससे मजमूई तौर पर
हज़ारों मुलाजमतें पैदा होंगी। वज़ीर सनत का कहना था कि हमें जश्न मनाना चाहिए, जब उनसे पूछा गया कि क्या वफाकी हुकूमत ईवी मैन्युफैक्चरर्स के साथ किए गए माहदों की तशहीर करेगी। उनका कहना था कि हम मुस्तकबिल की सनती सलाहियत की तामीर कर रहे हैं और कैनेडा जीत रहा है। शैम्पियन ने मज़ीद कहा, जब हम जीत रहे हैं और हम पुरजोश हैं तो हम सबको कैनेडियन के तौर पर जश्न मनाना चाहिए। इसमें कोई सियासत नहीं है, ये जीतने के बारे में है। 2022 के मौसम बहार से वफाकी हुकूमत ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के सौदों में कई बड़ी सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिसमें इस टीलेंट्स के प्लांट्स को अपग्रेड करना भी शामिल है ताकि कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार कर सके और अगली दहाई में तकरीबन 13 बिलियन डॉलर की सब्सिडी फराहम करने का इरादा रखती है। पिछले महीने वफाकी हुकूमत ने यह भी ऐलान किया था कि वो होंडा के साथ एक मुआहदा करेगी ताकि जापानी ऑटोमेकर कैनेडा में 15 बिलियन डॉलर की ईवी सप्लाई चेन बनाए, जो वफाकी और ऑनटेरियो की हुकूमतों से हर एक की 2.5 बिलियन डॉलर के बराबर है। कंजर्वेटिव और एनडीपी ने डील्स में शफाफियत की कमी के बारे में खदशात का इजहार किया है, खास तौर पर टैक्स सहंदगान की कितनी रकम गैर मुल्की कॉरपोरेशनों को जा रही है और क्या इस बात की कोई जमानत है कि वो कैनेडा के कारकुनों के लिए इनामात हासिल करेंगे। टोरंटो के लिए शदीद तूफान की वार्निंग मनसूख कर दी गई, मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के लिए शदीद तूफान की वार्निंग मनसूख कर दी गई। शदीद गरज चमक के साथ तेज़ हवा के झोंके और बड़े ओले अब टोरंटो शहर को ख़तरा नहीं बना रहे हैं। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक टोरंटो में बारिश के 30% इम्कान के साथ बुनियादी तौर पर अबर आलूद आसमान और गरज चमक के साथ तूफान का ख़तरा है। दोपहर के आखिर में हवाएं जुनूब मगरब में 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। मंगल के लिए दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर आप बाहर वक्त गुजार रहे हैं तो एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाएं। बुध के शहर का मौसम मिला जुला रहेगा, जबकि दोपहर के वक्त बारिश के 40% इम्कान हैं। गरज चमक के साथ तूफान का ख़तरा है। हवा 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुनूब मगरब में चलेगी और सुबह के वक्त 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। वाजह रहे कि इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से जारी की गई वार्निंग में कहा गया था, बड़े ओले अमलाक को नुकसान पहुंचा सकते हैं और चोट लगने का खतरा लाहक हो सकता है। तेज़ हवा के झोंके कमज़ोर तनसीबात को मुतासिर कर सकते हैं, कमज़ोर ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दरख्तों की शाखें तोड़ सकते हैं और यहां तक कि बड़ी गाड़ियों को उलट भी सकते हैं। मज़ीद बरा मुकामी तौर पर शदीद बारिश की तवक्को है, जो सैलाब का बाइस बन सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने के बाद 5 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान कर दिया है, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल अहियान समेत 8 अफराद की तजहीज़ो तकफीन और उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़िद की जाने वाली यादगारी तकरीबात की तफसीलात जारी कर दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने के बाद 5 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अबूरी सदर मोहम्मद मखबिर ने ऐलान किया है कि बुध के रोज़ हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वालों की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई पढ़ाएंगे। नमाज जनाजा और तदफीन के लिए मुल्क भर में बुध के रोज़ आम तातील का ऐलान किया गया है, जबकि तमाम तालीमी इम्तहान इस हफ्ते के आखिर तक मुलतवी रहेंगे और नई तारीख का ऐलान वजारत तालीम करेगी। इज्तिमाही नमाज जनाजा बुध को तेहरान में होगी, लेकिन इससे कबल मंगल के रोज़ मैयतें मशरकी आज़रबाईजान सूबे से तबरेज़ शहर में शहदा स्क्वायर से मूसला लाई जाएंगी। इसके बाद शहर कम में मंगल की शाम हज़रत मासूमा के रोज़े मुबारक से मस्जिद जमकरान तक मैयतों को जुलूस की शक्ल में ले जाया जाएगा। जनाब सकीना के मज़ार पर हाजिरी के बाद शहदा के जस्ते खाकी को मंगल की रात तेहरान में इमाम खमीनी के मज़ार पर अलविदाई सलाम के लिए लाया जाएगा। बाद अज़ा बुध के रोज़ ही मैयतों को तेहरान यूनिवर्सिटी से आज़ादी स्क्वायर की तरफ जुलूस की सूरत में लाया जाएगा और रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनेई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। नमाज जनाजा के बाद कुछ की तदफीन तेहरान में और बाकी की अपने अपने आबाई इलाकों में की जाएंगी। बुध की शाम ही आला गैर मुल्की मौजज़ीन की मौजूदगी में शहदा को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब होगी। जुमेरात के रोज़ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मैयत उनके आबाई इलाके मशहद लाई जाएगी, जहां दोबारा नमाज जनाजा होगी और फिर वहीं सपर्दे खाक कर दिया जाएगा। याद रहे कि मुल्क भर में 5 रोज़ा कौमी शोक मनाया जा रहा है, जिसके दौरान तमाम सरकारी सरगर्मियाँ मअतल और परचम सरनगुन रहेंगे। दूसरी जानब ईरान के अबूरी सदर मोहम्मद मखबिर की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में पार्लियामेंट के स्पीकर और अदलिया के सरबराहान ने ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को कराए जाने का फैसला कर लिया। आलमी अदालत से इसराइली वजीर आजम के मुमकिन वारंट गिरफ्तारी पर अमरीका बिलबिला उठा, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
امریکی صدر جو بائیڈن نے عالمی فوجداری عدالت میں پروسیکیوٹر کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو سمیت دیگر کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی نہیں ہے۔ امریکہ کے برعکس فرانس نے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے ممکنہ وارنٹ گرفتاری پر بین الاقوامی فوجداری عدالت کی حمایت کر دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن ان خیالات کا اظہار وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں یہودی امریکی ثقافتی ورثے کی مناسبت سے منعقد کردہ تقریب سے خطاب میں کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل پر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے الزام کی تردید کرتے ہوئے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کی جانب سے وارنٹ گرفتاری کی استدعا کو اشتعال انگیزی قرار دیا اور شدید الفاظ میں مذمت کی۔ جو بائیڈن نے اسرائیل کے لیے اپنی پرجوش اور مضبوط حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ حماس کے یحییٰ سنوار اور باقی قصابوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی عالمی فوجداری عدالت کو خبردار کیا تھا کہ پروسیکیوٹر کریم خان کا اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری غزہ جنگ بندی کے مذاکرات کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے مزید کہا کہ ہم پروسیکیوٹر کی جانب سے اسرائیل اور حماس کو ایک جیسا ثابت کرنے کی کوشش کو بھی مسترد کرتے ہیں، یہ شرمناک عمل ہے۔ یاد ہے کہ گزشتہ روز بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان نے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو، وزیر دفاع یوف گیلنٹ اور حماس کے رہنماؤں یحییٰ سنوار، محمد دیف اور اسماعیل ہنیہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کی تھی۔ دوسری جانب فرانس کے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کا ملک بین الاقوامی فوجداری عدالت کے فیصلوں، اس کی آزادی اور تمام حالات میں کسی خاص کو حاصل استثناء کے خلاف جنگ کی حمایت کرتا ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان مہرین امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔